आज दिनांक 6 तारीख बरोज बुधवार को बाद नमाजे असर दरगाह हजरत सुफी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाही अलैया के उर्स के इख्तिताम पर जलालिया चौक के सरगरो मोहम्मद जावेद शाहवल्द मरहूम हनीफ शाह बानवावा सरपरस्त पीर मोहम्मद उस्मान शाह जलाली साई अब्दुल सत्तार शाह जलाली इलियास शाह जलाली रफीक शाह जलाली अल्ताफ शाह जलाली सलीम शाह बानवा आबिद शाह जलाली जफर शाह जलाली लतीफ शाह जलाली भूरू शाह व तमाम शाह साई समाज की तरफ से दरगाह सूफी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाही अलैया के सदर हाजी शमशेर खान मुन्ना व नायब सदर उस्मान खां व सरपरस्त आबिद हुसैन व तमाम वक्फ कमेटी दरगाह का शुक्रिया अदा किया गया। सरगरो जलालिया जमायत जावेद शाह सरपरस्त पीर मोहम्मद उस्मान शाह ने दरगाह के सदर हाजी शमशेर खान मुन्ना को फुलमाला व साफा पहनाकर उर्स की मुबारकबाद दी व उर्स में किए गए इंतजामात को सराया। वही जलालिया जमायत में जितने भी थे उन सब ने उर्स में किए गए इंतजामात की तारीफ की और दुआओं से नवाजा। हो रसूल की
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका खादिम मोहम्मद उस्मान शाह अशरफी। अल्हम्दुलिल्लाह दिल बहुत खुश हुआ कि कल सुल्तान तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पर अनवार पर बड़ी ही अकीदत के साथ में हर मजहब के लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, तमाम तर धर्म के लोगों ने बारगाह सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह में अपने खिराज अकीदत के फूल पेश किए और मुल्क को, देश में अमन सलामती की दुआओं का तांता लगा रहा। लिहाजा मुल्क व देश की अमन और सुकून की ये दुआएं बारगाह सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह में की गई बड़े ही अच्छे अंदाज और अछूते माहौल में। उर्से पाक का जो है कि कुल की रस्म के साथ समापन हुआ। अल्लाह तबारक व ताला आए हुए तमाम ज़ायरीन की दुआओं को अपने प्यारे हबीब, हम गुनाहगारों के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से कबूल फरमाए और हम सब को वली अल्लाहों की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन बजाए नबी आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।